स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। लाइक दिस। इसके अंदर हम एक और छोटा सर्कल बनाएंगे और ये बटरफ्लाई की आईज। अब हम बटरफ्लाई के नीचे का नेक का पोर्शन बनाएंगे, लाइक दिस। अब हम इसके पंख बनाएंगे, विंग्स बनाएंगे। बॉडी का पार्ट बनाएंगे। इसमें हम स्ट्रिप्स बना देंगे बॉडी में। उसके विंग्स में हम डिजाइन बना देंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैं सर्कल्स पर से डिजाइन बना रही हूँ। बटरफ्लाई के एंटीनास बनाएंगे। और उसका मुंह का पोर्शन बना दिया हमने। यहाँ खाली जगह में हम फ्लावर बनाएंगे। इस तरह के फ्लावर मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने इस तरह के बनाए। आप चाहें तो कोई भी डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर बना सकते हैं। मैं सिर्फ दो तीन ही फ्लावर ही बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। फ्लावर की स्टेम और लीफ। थोड़ी सी मैं यहाँ पे ग्रास बना दूंगी ताकि वो गार्डन का लुक दे दे। एक फ्लावर और यहाँ बना दूंगी मैं। अब हम इसमें कलर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके फेस पे ऑरेंज कलर करेंगे। आईज के बाहर ऑरेंज कलर कर रही हूँ मैं। अब मैं इसके एंटीना के सर्कल्स में ऑरेंज कलर कर रही हूँ और इसके माउथ के यहाँ पे ऑरेंज कलर। अब मैं इसके फेस में और बॉडी में पर्पल कलर करूंगी। इस तरह से हमने इसकी पूरी बॉडी पे पर्पल कलर किया है। बाहर लाइट ब्लू कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो और भी कोई कलर कर सकते हैं। इस तरह से सर्कल की बाहर वाले सर्कल में मैंने लाइट ब्लू कलर करा है। जो अंदर वाले छोटे सर्कल हैं
ऑरेंज कलर कर देती हूँ। कलर चॉइस सब अपनी डिफरेंट कर सकते हैं। अब इसके जो फैदर हैं उसमें मैं येलो कलर करूँगी। कलर हमेशा एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। एक फैदर में येलो किया है, ये जो बैक का फैदर दिख रहा है इसमें मैं भी सेम येलो कलर करूंगी। इस तरह से मेरे दोनों फैदर में येलो कलर कंप्लीट हो गया है। अब मैं फ्लावर्स में कलर करूंगी। फ्लावर में कलर करने के लिए अंदर में लाइट पिंक कलर करूंगी, बाहर रेड कलर करूंगी। इस तरह से दोनों फ्लावर्स में मैंने रेड कलर कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी डंडी में ब्राउन कलर कर देंगे। ग्रास की डिजाइन दी है उसमें लाइट ग्रीन कलर कर रही हूं मैं। इस तरह से मैंने लीफ में लाइट ग्रीन कलर कर दिया है। अब आप चाहें तो इस बैकग्राउंड पे कोई कलर कर सकते हैं या इसे प्लेन रहने दे सकते हैं।